मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज हम सब कौन सी कविता पढ़ने वाले हैं? प्रकृति का संदेश। प्रकृति का संदेश। प्रकृति का संदेश, तो चलिए सभी भी पढ़ेंगे, ठीक है? यस। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, लिखी है। तो आप लोगों को यह कविता कैसी लगी? बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो इस कविता में हम लोगों को प्रकृति से सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है? पर्वत कहता है, क्या बोलता है? पर्वत बहुत ऊंचा होता है ना? यस। तो अपना शीश उठाकर, यानी अपना सिर उठाकर क्या कहता है? तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी कुछ ऐसा काम करो जिससे देश का, तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे स्कूल का, टीचर्स का नाम हो, है ना? सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई लाओ। यानी सागर क्या कह रहा है? सागर लहराते रहता है, है ना, हमेशा? यस मैम। तो सागर हम लोग को लहरा लहरा कर क्या सीखने बोल रहा है? कि मन में गहराई लाओ, यानी मन में बहुत सारी चीजों को सोचो, समझो, उसके बाद करो, ठीक है? देखो फिर क्या बोलता है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल। यानी पूछती है तुम लोगों से, तुम लोगों को समझ में आता है कि तरल तरंग, यानी जो समुद्र में लहरें जो होती हैं, बार बार उठती है फिर गिर जाती है ना, तो उससे क्या सिखाती है? कि हम लोगों की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आएगा, कभी हम लोग गिरेंगे, कभी हम लोग उठेंगे। गिरने और उठने का मतलब ये नहीं कि दौड़ रहे थे और गिर गए फिर उठ गए, वो नहीं। कभी कभी आप बहुत प्रयास कीजिएगा पर प्रयास आपका सफल नहीं होगा, है ना? तो ये सब चीजों से हम लोग को सीखना चाहिए, ना कि हम लोग को निराश होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यानी अपने मन में उमंग बनाए रखना है, निराश नहीं होना है, हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित होते रहना है खुद से। फिर क्या कहती है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही वो सिर पर भार। हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी में कितना भार है पता है ना? सोचो जितना भी कुछ है पृथ्वी में, जितने लोग हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, पर्वत है, घर है, मंदिर है, मस्जिद है, जितना भी कुछ है सब पृथ्वी में। लेकिन पृथ्वी कभी धैर्य छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। तो वो हम लोगों को सिखाती है कि धैर्य नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। फिर बोलता है क्या, नव कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। नव यानी आकाश। आकाश हम लोगों को क्या सिखाता है, कि हम लोगों को और अपने व्यक्तित्व में विस्तार लाना चाहिए, हम लोग हमेशा सीखते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम ये सीख लिए तब हम नहीं पढ़ेंगे, हम ये सीख लिए तो ये काम नहीं करेंगे, नहीं, हम लोगों को हमेशा सीखते रहना चाहिए, विस्तार करते जाना चाहिए। ये कविता आप लोगों को समझ में आई? यस मैम। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार बताइए इस कविता का नाम क्या है? प्रकृति का संदेश। क्या नाम है फिर से बोलिए? प्रकृति का संदेश। प्रकृति का संदेश। तो कविता को किसने लिखा है? सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी जी ने ये कविता लिखी है। ठीक है फिर, थैंक यू।